Hey, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर वीजू यूट्यूब चैनल की ओर से। Hey, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिस्टर वीजू यूट्यूब चैनल पर। आज की इस कमाल की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया कुछ कमाल की टेक न्यूज। तो मेरा नाम है मानव प्रताप और वी न्यूज देख रहे हैं आप। सबसे पहली न्यूज आती है वो आती है गूगल असिस्टेंट की तरफ से। जो गूगल असिस्टेंट सबसे पहले आपको क्रोम ओएस पे देखने को नहीं मिलता था, सिर्फ एक गूगल का पिक्सल बुक था जिसमें क्रोम ओएस हुआ करता था, और साथ ही साथ उसमें पिक्सल बुक में जो है आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता था। लेकिन जल्दी ही यहाँ पर सारे क्रोम ओएस डिवाइसेस पे आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ कोई ऑफिशियल डेट नहीं है कि इस दिन जो है आपको सपोर्ट सारा मिल जाएगा, या कुछ ऐसा कंफर्मेशन डेट नहीं है यहाँ पर, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा, ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। फिर आज अगली न्यूज आती है वो आती है एयरटेल और हॉटस्टार को लेकर। तो इन्होंने किया कोलैबोरेशन, और यहाँ पर एयरटेल टीवी जो एक मोबाइल ऐप है उनका जिसपे आप लाइव टीवी देखते हैं, वहां पर जो हॉटस्टार के कुछ चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कुछ नहीं बहुत सारे चैनल्स होंगे। यहाँ पर कौन कौन से चैनल्स नहीं होंगे तो वो है यहाँ पर HBO, डिज्नी, शो टाइम्स, और बाकी जो स्टार कंपनी के बाकी सारे जो इंग्लिश में आने वाले शोज हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे, बाकी हिंदी वाले शोज आपको सारे देखने को मिलेंगे एयरटेल टीवी पर। और हॉटस्टार के साथ कोलैबोरेशन के बाद ये रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो बढ़िया, जो अगली न्यूज आती है वो आती है एयरटेल के 93 रुपीज वाले इंटरनेट पैक को लेके, जो कर दिया गया है अपडेटेड। अब यहाँ पर जो आपको वैलिडिटी 10 दिन की बजाय अब मिलती है 28 दिन की वैलिडिटी। यहाँ पर कोई ज्यादा मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है, वही 1 GB डेटा आपको देखने को मिलता है जो पहले 10 दिन का था, वो मिलता है 28 दिन का। और वही 100 दिन, मतलब 100 SMS पर डे, और वही 250 मिनट्स पर डे के हिसाब वाला पैक है। लेकिन यहाँ पर जियो का जो 93 रुपीज़ का पैक है वो थोड़ा बेटर है यहाँ से, क्योंकि वैलिडिटी सेम है। यहाँ पर जो है पर डे SMS आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि 300 SMS पर डे, और साथ ही साथ यहाँ पर जो डेटा है वो भी आपको 2 GB तक मिलता है 28 दिनों तक यूज़ करने के लिए। तो डेफिनेटली यार थोड़ा बहुत मतलब कुछ भी कर लीजिए यार, जियो जो है ओवरऑल सारे प्लान्स में आगे ही है। ये तो खैर मजबूरी होती है कि दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर को यूज करना पड़ता है। तो अगली न्यूज आती है वो आती है BSNL को लेकर। जो BSNL है उसके अगर आप रिचार्ज कराते हैं 250 से कम का या 250 का, तो यहाँ पर आपको 50% का कैशबैक देखने को मिलेगा। और जो कैशबैक होगा तब एलिजिबल होंगे आप उसके लिए जब आप फोन पे जो एप्लीकेशन है उससे आप जब रिचार्ज कराएंगे अपने BSNL को। और अगर आप 250 रुपये से ऊपर का रिचार्ज कराते हैं तो उसके लिए आपको जो है 75 रुपीज़ का कैशबैक देखने को मिलेगा हर रिचार्ज पर। तो मेरी अगली न्यूज आती है वो आती है Xiaomi की तरफ से। तो Xiaomi की जो Mi Mix 2 है जो कि फिलहाल बहुत ज़्यादा तड़के से चल रहा है यहाँ पर लीक्स में, तो यहाँ पर उसके कुछ और लीक्स आए जिसके अकॉर्डिंग आपको शायद इस फोन में अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि आपको जो मतलब CES 2018 में शोकेस किया था यहाँ पर Vivo X20 Plus UD स्मार्टफोन में, वो टेक्नोलॉजी शायद आपको Mi Mix 2S में देखने को मिल सकती है। और साथ ही यहाँ पर ऐसे भी रूमर्स हैं कि ना Mi 7 जो उसका फ्लैगशिप स्मार्टफोन है उसकी बजाय आपको शायद ये फोन Mi Mix 2S है वो आपको देखने को मिलेगा, पहला स्मार्टफोन जो कि जिसमें कि आपको Qualcomm Snapdragon 845 प्रोसेसर मिलेगा। हालांकि जिसमें पहले जो फोन था, मतलब पहले जो लीक्स थे उसके अकॉर्डिंग जो Mi 7 बताया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसकी जो रिलीज डेट है वो कर दी गई है पोस्टपोन्ड। यहाँ पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में यहाँ पर Mi Mix 2S को शायद शोकेस किया जाएगा और Mi 7 को करा जाएगा उसके बाद में। थोड़ी तो अजगली जाती है वो आती है मोटोरोला की तरफ से। तो यहाँ पर मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं जो फोल्डेबल स्मार्टफोन के पीछे पड़ी हुई, यहाँ पर पेटेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। गैलेक्सी एस मतलब सैमसंग का जो गैलेक्सी जेड सीरीज है उसमें आपको फोल्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, वहीं आपको जो है वीवो का फोल्डेबल स्मार्टफोन के पेटेंट देख रहे होते हैं। यहाँ पर जो मोटोरोला भी सोचा कि वो पीछे आखिर क्यों रहे, तो यहाँ पर जो है उसके भी फोल्डेबल स्मार्टफोन के पेटेंट को आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो फोन है वो आप फोल्डेबल और अनफोल्ड करने के बाद दोनों ही सिचुएशन में यूज कर पाएंगे, जो फोन है और टैबलेट मोड शायद दो इसमें देखने को मिलेंगे। और यार मतलब यहाँ कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, सिर्फ एक पेटेंट है, जरूरी नहीं है कि इस पेटेंट पे बेस्ड आपको मोबाइल फोन या कोई डिवाइस ऐसा देखने को मिले भी। थोड़ी जो अगली न्यूज आती है वो आती है बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज। तो यहाँ पर जो गूगल के ऊपर केस किया है यहाँ पर 2 Pixel यूजर्स ने, जो गूगल पिक्सल फोन है उसके रिलेटेड जो है उन्हें कुछ इश्यूज थे, यानी यहाँ पर जो गूगल पिक्सल के माइक्रोफोन को लेकर 2 कस्टमर्स को जो है थोड़ी प्रॉब्लम हुई, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एक कस्टमर था उसने 2017 में फोन को खरीदा था, और मतलब एक साल से पहले जो वारंटी थी उसमें अंदर उसने जो है इसे मतलब कस्टमर केयर पे जाकर उसे दिखाया, यहाँ पर मतलब कोई कैशबैक या मतलब कोई भी मनी रिफंड या फिर उस डिवाइस को ठीक करने की कोई भी उन्हें नहीं जानकारी दी गई। तो यहाँ पर आगे चल के उन्होंने क्या किया कि जो है किया है गूगल पे सू, यानी कि केस किया है। तो यहाँ पर मतलब देखते हैं आगे क्या होता है, मतलब यार देखने वाली बात, खैर इतने हजारों मतलब लाखों करोड़ों में यूनिट्स बनती है तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है यार, कोई बात। तो फ्रेंड्स यहाँ अगली न्यूज आती है वो आती है व्हाट्सएप पर एक स्कैम को लेके, जो कि है एडिडास के फ्री पेयर ऑफ शूज को लेके। तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का मैसेज आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर लिखा होता है कि आपको जो है
एडिडास की एनिवर्सरी पर आपको यहाँ पर गिव अवे किए जा रहे हैं एडिडास के पेयर ऑफ शूज। तो अगर आप क्लेम करना चाहते हैं इसके लिए तो जाइए www.adidas.com/shoes। ये जो मतलब लिंक है वो आपको साथ में ही मिलती है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं फेक वेबसाइट पे, जिसपे आप अपने जो सारी डिटेल्स एंटर करते हैं तो आपको मतलब ऐसा है कि हैकर्स के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर हैकर्स जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को जो है लेना चाहते हैं और उसे यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर मतलब ये बिल्कुल टोटली फेक है, इसे बिल्कुल भी यूज ना करें, इसकी तरफ ध्यान भी ना दें अगर आप व्हाट्सएप पे आपको ये मैसेज मिलता है। तो बढ़िया, अगली न्यूज आती है वो आती है 2018 के विंटर ओलंपिक्स के। तो विंटर ओलंपिक्स के यहाँ पर सेरेमनी जी थी, ओपनिंग सेरेमनी, उस टाइम पर जो है यहाँ पर जो इसकी वेबसाइट है उसे हैक कर लिया गया था, यहाँ पर साइबर अटैक हुआ था और उस दौरान यहाँ पर इंटरनेट और वाईफाई उस कैंपस में बिल्कुल बंद हो गया था। हालांकि इसके बारे में कोई ज्यादा बड़ी न्यूज नहीं है, यहाँ पर कुछ अनवील नहीं किया गया कि यहाँ पर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किसने क्या किया। हालांकि ऐसे कुछ पता तो चला है कि यहाँ पर जो आदमी है जिसने ये साइबर अटैक किया, आदमी और व्हाटएवर हूएवर ही इज और शी इज, जो भी है, यहाँ पर मतलब अनवील नहीं किया गया कौन है, लेकिन उन्हें किसी तरीके से पता चल गया है कहाँ से कैसे क्या किया गया था, लेकिन कुछ ऑफिशियल नहीं किया। तो मैंने यहाँ पर अगली न्यूज आती है वो आती है इंटेक्स की तरफ से। तो इंटेक्स जो है बजट स्मार्टफोन्स में एक और नया स्मार्टफोन लेने के साथ यहाँ पर टक्कर देने आ गया है शाओमी के 5A को। तो यहाँ पर जो है आपको मंडे को ये फोन लॉन्च हुआ था, इसमें आपको नाम कुछ है इंटेक्स एक्वा लाइट T1 लाइट, जब ये 4G वोल्टेज स्मार्टफोन है जिसमें 2.5D कर्व्ड ग्लास की आपको कोटिंग मिलती है ऊपर, साथ ही 1.3 GHz का क्वाड कोर 64 बिट स्प्रेडट्रम प्रोसेसर है और यहां पर 5 मेगापिक्सल का बैक में और फ्रंट में 2 मेगापिक्सल का कैमरा है और रियर में आपको एलईडी फ्लैश भी देखने को मिलता है। 1 GB रैम है, 8 GB की रोम है, साथ ही 64 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं SD कार्ड के थ्रू। कह रहे हैं यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ी स्पेक्स नहीं, क्योंकि ये जो फोन है वो बहुत ही ज्यादा चीप प्राइस में, जो प्राइसिंग है इसकी वो है 3,899 रुपए, यानी लगभग 4,000 रुपए तक आप इसे कह सकते हैं, 4,000 रुपए से कमी है, लेकिन इस प्राइस रेंज में आपको जो फोन बहुत मैं कहूँगा काफी अच्छा मिल रहा है। लेकिन फिर भी यार मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो फोन है अगर आप एंड्रॉइड गो जो फोन बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है उस तक रुक जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो फोन जो है आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ लेटेस्ट ऑप्टिमाइज्ड हार्डवेयर मिलेगा, वहाँ पर गो जो गूगल का इनिशिएटिव है उसके उस पर बेस्ड वो फोन होगा, 1 GB रैम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा वो। इसके अकॉर्डिंग मतलब आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग ये भी बहुत अच्छा फोन है। तो मैंने जो अगली न्यूज आती है वो आती है अमेज़न की तरफ से। तो भाई अमेज़न ने $90 मिलियन जो है यहाँ पर पे किए हैं ब्लिंक होम सिक्योरिटी एंड कैमराज कंपनी को। ये जो कंपनी है वो जो है एक एनर्जी एफिशिएंट चिप्स बनाती है कैमराज में मतलब यूज करने के लिए। तो यहाँ पर जो अमेज़न बहुत ज्यादा इसमें कुछ इंटरेस्टेड थी, इस वजह से उसने $90 मिलियन में इस कंपनी को एक्वायर करने की सोची है। यहाँ पर शायद उसने खरीद लिया है या नहीं खरीदा है इस बारे में कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, लेकिन इतना पता है कि $90 मिलियन यहाँ पर दिए गए हैं ब्लिंक होम सिक्योरिटी और कैमरास को। अब पता नहीं है कैमरी जो कंपनी है वो मिली अमेज़न को या नहीं। तो बढ़िया जानकारी नहीं जाती वो आती है सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus को लेकर। तो यहाँ पर जो उसकी एडवर्टाइजिंग एड बैनर है वो लीक हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग मतलब फोन वगैरह सब जो इन्फॉर्मेशन है वो चाइनीज में नहीं कोरियन में, क्योंकि फोन भी ऑब्वियस कोरियन ही है। तो जो फोन में की मतलब बैनर है उस पर आपको थोड़ा बहुत इतना देखने को मिलता है 128 GB की स्टोरेज आपको इसमें देखने को मिलने वाली है S9 Plus में, और बाकी कुछ भी कुछ पता नहीं है यहाँ पर कैसा होगा। बाकी लुक्स में फोन बिल्कुल बहुत ज्यादा आइडेंटिकल लग रहा है S8 Plus से, और ये तो खैर स्टार्टिंग में पता चल गया था S9 कोई मेजर चेंजेस नहीं होने वाले हैं लुक्स वाइज। तो यहाँ जो अगली न्यूज आती है वो आती है तड़कती भड़कती एप्पल की तरफ से। एप्पल का जो iMac Pro है जो कि अब तक का सबसे ज्यादा हैवी, सबसे ज्यादा अच्छा खासा आपको प्रोसेसिंग पावर वगैरह के साथ सबसे ज्यादा पावरफुल डेस्कटॉप अब तक देखने को मिलता है वो है iMac Pro, और यहाँ पर इंडिया पर पहुंच चुका है और आप इसे खरीद सकते हैं, ये सेल पर जा चुका है और जो प्राइसिंग है वो है अच्छी खासी 4,15,000 रुपए। और यार आप चाहे तो खरीद सकते हैं, मतलब पैसों पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको 32 GB की रैम, यहाँ पर दो आपको ग्राफिक कार्ड और साथ यहाँ पर मतलब कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आपको 6 डिस्प्लेस का सपोर्ट मिलता है जो कि 4K 60Hz वाली मॉनिटर्स को आप इनमें लगा सकते हैं इस डेस्कटॉप में, मतलब बहुत मतलब टॉप नॉच आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलने वाला है अगर आप सोच रहे हैं एक डेस्कटॉप लेने की, और बहुत मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है तो आप इसके साथ बेशक जा सकते हैं। और मैंने ये तो थी आज की कुछ कमाल की टेक न्यूज। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया, अगर आपको लगा कुछ अच्छी टेक न्यूज या कुछ अच्छी नई बातें आपको मैंने बताई इस वीडियो में, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करके कहीं मत जाइएगा, और साथ ही साथ चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके की टेक न्यूज डेली और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस रोज पोस्ट करता हूं। यानी चैनल पे 2 वीडियो रोज पोस्ट होती हैं, आप चैनल को जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बराबर के बेल आइकन को दबा दीजिए, दबाने से होगा ये जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। और मिस मत करा करिए यार, बहुत मेहनत करता हूँ चैनल को रन कराने के लिए, आप तक बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट को पहुंचाने के लिए। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए।